बुरा बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। जरा देखो तो बुरा, ये तो खून निकल रहा है बेटा। तुमने फिर से किसी से झगड़ा कर लिया है क्या? ओह यकीन नहीं होता। कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। ओ मैं टकरा गया था। मुझे सच सच बताओ। मॉम मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज बस करो। बुराक तुम्हारा चारला से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ मेरे सामने फिर कभी चारला का नाम मत लेना, समझी? बुराक बुराक, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा चारला से झगड़ा हुआ है? बात क्या है मुझे बताओगे बेटा प्लीज? मुझे लगता है तुम्हारा और चारला से झगड़ा हुआ है, ऐसा मत करो बेटा। ये अरे ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? ऐसा मत करो। समझ नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, शर्मिंदा। पता नहीं मेरे पीठ पीछे वो लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। ऐसा मत कहो चारला, जो हुआ उसके बारे में सब अपसेट थे। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है टूचे? तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरे लिए दुखी होंगे? वो सब दिखावा है। मुझे पता है सबके सब हाइपोक्रेट्स हैं, सबके सब, पर मैंने ही तो उन्हें मौका दिया था बात करने का। अब वो मेरे और बुराक के बारे में ही बात कर रहे होंगे। पर बुराक ने तुमसे ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या तुम्हारा सच में ब्रेकअप होने वाला है? बुराक ठीक फील कर रहा है टूचे, पर वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये सब कर क्या रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ बेटा। मॉम बस करो। हा? ये सवाल जवाब बंद करो। शुक्रान इनको हो गया क्या? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या है मुझे बताओ बुराक। अरे क्या कर रहे हो? मॉम ठीक है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओके मुझे अकेला बुराक, छोड़ दो। बुराक कहाँ जा रहे हो? सुनो बुराक, बुराक कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे। बुराक बुराक बता के जाओ बुराक। ओफो ये बच्चा मुझे मार डालेगा, पता नहीं क्या करेगा, कहीं किसी से टकरा ना जाए, पता नहीं क्या करेगा। ओ मैं क्या करूं? सेल्डा मैम ठीक तो है ना? तुम जल्दी से बुराक का कमरा ठीक कराओ। अभी करवाती हूँ मैम। क्या हो गया? बुराक सर ने सब तोड़ फोड़ दिया है, जाओ और जल्दी से उनका रूम साफ करो, पूरा रूम गंदा पड़ा है। ठीक है। मॉम क्या हुआ? बुराक सर, उनकी मॉम से कुछ बहस हो गई, पूरा रूम तोड़ फोड़ दिया। पहली बार बुराक सर को इतने गुस्से में देखा। हाँ सेल्डा आंटी। चारला कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ आप? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम ये बताओ तुम दोनों का झगड़ा हुआ था क्या? बहुत गुस्से में घर आया था बुराक। हाँ सेल्डा आंटी। आखिर हुआ क्या बेटा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर इस बार सब खत्म, बुराक और मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? पर क्यों? ये आप बुराक से ही पूछिए, वो ही आपको बताएगा आंटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी, पर हम बाद में बात करें प्लीज। ओके बेटा। हाय अल्लाह, कैसी हालत हो गई उनकी देखी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। हमने सोचा था उनमें सुलह हो जाएगी। गौंजा आसल कहाँ हो तुम?
फोन क्यों नहीं किया मुझे? गौंजा तुम सोच भी नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ, मैं तुम्हें फोन पर ही बता सकती हूँ। ठीक है मैं अभी काम से निकली हूँ, कहो तो मिलने आऊँ। ठीक है मैं अभी निकलती हूँ। मॉम मैं बाहर जा रही हूँ गौंजा से मिलने। पर बेटा तुम अभी अभी तो आई हो। मॉम मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेट नहीं करूंगी। ठीक है बेटा तुम जाओ। फोन बंद कर दिया। शुक्रान, 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 शुक्रान। जी सैल्डा मैम। शुक्रान प्लीज मुझे कोई दवाई दे दो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। जी सैल्डा मैम अभी देती हूँ। माफ कीजिए सैल्डा मैम, प्लीज दवाई मत लीजिए। उस दिन मैंने जो हर्बल टी बनाई थी वो बना देती हूँ। हाँ ठीक है बना दो, उस दिन बेहतर महसूस हुआ था मुझे। असलम मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है उसने तुम्हें इतना सब कुछ कहा। समझती क्या है खुद को, अगर वो यहाँ होती ना तो मैं उसे इतना नोचती चुड़ैल कहीं की। याद रखती, पर सबसे बड़ी बात है बुराक का वोल्कान को पंच करना। हाँ गौंजा समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तुम्हें बुराक का चेहरा देखना चाहिए था, वो बिल्कुल पागल सा हो गया था और वोल्कान भी। अगर मैं दोनों के बीच नहीं पड़ती तो पता नहीं क्या करते। ओह डियर, तुम्हारी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, कितना रोमांटिक होगा ना। तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे पहले ही कितना बुरा लग रहा है। उन्होंने तुम्हारी वजह से झगड़ा किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। पर तुम्हें एक बात बताऊं, शार्ला की बात मानकर तुमने बुराक पर शक करके बहुत गलत किया। सच में गौंजा, पर अगर बुराक ने चाला को नहीं बताया तो उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चल गया। असल चाला कोई बेवकूफ लड़की नहीं है, जरा सोच कर तो देखो, उसने तुम्हें यूनिफॉर्म में देखा, उसके बाद बुराक ने बिना किसी वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। वोल्कान और डेनिस भी फिर से साथ हो गए थे, इसलिए उसने माना कि तुम्हारे और वोल्कान के बीच कुछ है। उसके बाद पूरे मामले को समझना बहुत आसान रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुमने बुराक का दिल बिना वजह तोड़ दिया। असल उफ गौंजा ये सब मत कहो प्लीज, पहले ही वो इतने गुस्से में घर से चला गया क्योंकि तुमने उसे गुस्सा दिलाया था। तो अब मैं क्या करूं? तुम उसे कॉल करो। हाँ ठीक है, ये मुझे दे दो। ला उसका फोन बंद है, होना भी था। उफ एक मिनट, चलो चलते हैं। हमें इसी लड़की की तलाश थी बसक में। उस पर से नजरें हटनी नहीं चाहिए, मैं उसके बारे में सब जानना चाहती हूँ। इतने सालों बाद आप यहाँ क्यों आई? क्यों? मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे भाई और पापा को सब बता देना चाहिए। आ गए बेटा? हाँ आ गया डैड। अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बस ऐसे ही डैड, वो एक्सरसाइज करते वक्त चोट लग गई थी। लेकिन आप ठीक है डैड? काफी टेंशन में लग रहे हैं। वोल्कान मुझे ऐदा से बात करनी होगी, अब मुझे एल्चिन और मेरे रिश्ते पर पूरा भरोसा है, मैं दोनों से झूठ नहीं बोल सकता।
आपको शुरू से ही उससे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी डैड। अब तक तो वो एक्सेप्ट कर भी लेती, मैंने कहा भी था आपसे। हाँ, तुमने ठीक कहा था। उसे लगता है कि मुझे भी अभी पता चला है, वरना वो मुझसे भी गुस्सा हो जाती। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया था। जो भी हो डैड, हम एडा को मनाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। उम्मीद तो है, जल्द ही मैं एल्चिन को प्रपोज करूंगा। जितनी देर होगी उतना ही मुश्किल होते जाएगा। ओह रियली डैड, तो आप उस औरत को प्रपोज करने वाले हैं? और आपका बेटा आपको सपोर्ट कर रहा है। पर एक बात आपको बता दूं, ध्यान रहे कि इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। एदा बेटा सुनो, एदा एदा प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। एदा नहीं खोलूंगी, आप लोग दोनों चले जाइए। आई हेट यू। रहने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए डैड। चीजें सुधरने की जगह बिगड़ती ही जा रही है। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती बुराक। हम जा रहे हैं, चलो। बुराक दूर हटो इससे। नहीं बुराक। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हमारे बीच इतना झगड़ा, पर हाथ उसने भी उठाया, मैं और करता ही क्या। Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela bulup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela bulup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. शायद वो भी आसले को पसंद करता है। Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü bela bulup derde salan. Hello Asle. यहाँ मैं फिक्र से मरे जा रही हूँ और वहाँ वो मजे कर रहा है। Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan? Salan var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdim
सयन। क्या हालत है मेरी, इतना पैसा है मेरे पास पर अब भी सड़कों पर ही घूमना पड़ रहा है मुझे। सुबह होगी तो मैं बढ़िया सा होटल बुक करूंगा अपने लिए, फिर वहाँ अच्छे से नहाऊंगा, कपड़े पहनूंगा और फिर नरम बेड पर आराम करूंगा। और कुछ करूंगा ही नहीं, दिन भर मैं सिर्फ बेड पर ही पड़ा रहूंगा। जरा गुंजा को कॉल करता हूँ। गुंजा क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हाँ, तुमने पुकारा और हम चले आए। आयरदा आज क्या कर रहे हो? जहाँ कल रुके थे वहीं रुकने वाले हो? हाँ डार्लिंग, हाँ हाँ हाँ, जहाँ मैं कल रुका था वहीं रुका हूँ आज भी। डैड के दोस्त हसन अंकल छोड़ ही नहीं रहे मुझे, मुझे जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं यहीं रुको, तो आज भी मैं वहीं पे रुका हुआ हूँ। चलो अच्छा है, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ हाँ एकदम कंफर्टेबल, एकदम कंफर्टेबल। निलगुन आंटी मेरा रूम तैयार कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे वहाँ पे। ठीक है चलो अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम, मैं कोई सड़क पे थोड़ी ना सो रहा हूँ, समझ रही हो ना? अरे आयरदा मैं ऐसा क्यों कह रहे हो, सोच कर बोला करो ना। ठीक है अच्छा रखता हूँ डार्लिंग, कल मिलते हैं हम लोग। ओके डियर सी यू। ओके बाय सी यू। कल गुंजा को कैसे सरप्राइज दूँ, क्या खरीदूँ आखिर उसके लिए? मेरी प्यारी गुंजा, वो सब कुछ डिजर्व करती है। बस बस आराम से ब्रदर, मैं ठीक हूँ। पैसे ये लो, काफी होंगे ना इतने? बहुत ज्यादा है ब्रदर। ठीक है ओके, तुम रखो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हौसले हौसले बुराक, ये तुम क्या कर रहे हो, सब लोग सुन लेंगे। हौसले हौसले, तुम मुझे छोड़कर वोल्कान के पास क्यों चले गए? बुराक प्लीज चुप हो जाओ। नहीं होऊंगा। तो फिर जाओ मजे करो ना, अभी तक तुम जहाँ मजे कर रहे थे वहीं जाओ ना। तुम्हें जलन हो रही है।
मुझे क्यों जलन होगी? तुम पागल हो गए हो? ठीक है असले, I love you so much. बुराक, प्लीज अंदर जाओ ना, कोई देख लेगा गड़बड़ हो जाएगी. ओके, मैं जाता हूँ. मैं जा रहा हूँ. ओके. ओ बुराक, कितनी बदबू आ रही है तुमसे. बुराक, 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 ओहो कितनी बदबू आ रही है. डैड ने ऐसे देख लिया तो. ये नशे में थे, आवाज सुनकर मेरी नींद खुले. इसे उठाने में हेल्प करो. चलो 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 बेटा, ध्यान से. अंदर चलो. ओहो बुराक, आराम से सीधे सीधे बेड पर चलो. बुराक सीधे बेड पर चलो. अरे सीधे इधर, बस. ठीक है बेटा, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ. थैंक यू वेरी मच. उठ, क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे क्या करूं मैं, क्या कर रहा है ये? बुराक, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? बुराक, कल रात तुमने कितना तमाशा किया बेटा, खड़े नहीं हो सक रहे थे. एमएल की बेटी और मैं तुम्हें उठाकर यहां तक लाए हैं. असलन, मुझे कुछ याद नहीं मां. बुराक, तुमने क्या सोचकर इतना नशा किया बताओ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो. हाँ मैम, मैं ठीक हूँ. एक बात पूछूं, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटा? नहीं मैम, ये सवाल क्यों पूछ रही हो? प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुमने चारला से ब्रेकअप कर लिया है ना? क्यों किया तुमने ऐसा? मैम प्लीज, सुबह सुबह ये सब शुरू मत करो. ठीक है मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी. असला, ये लो तुम्हारी चाय, अब पी लो. थैंक यू मॉम. गुड मॉर्निंग बुराक सर. गुड मॉर्निंग. बुराक सर, बुराक सर, आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? अभी देती हूँ सर. हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत दिनों से नहीं मिलने आई, आज ही मिलने आती हूँ. बुराक सर, मैं कॉफी बना रही हूँ, आप कहाँ पीना चाहेंगे? मैं लिविंग रूम में हूँ. लाती हूँ सर. ठीक है, सी यू. असला, किससे बात कर रही थी तुम?
ओ मॉम, मेरी टीचर का कॉल था, वो मुझे स्टूडियो बुला रहे हैं। एग्जाम पास है ना तो मुझे जाना चाहिए मॉम। ठीक है बेटा, तुम जाओ फिर। ठीक है मॉम, जल्दी आ जाऊंगी। किसका कॉल था? चलो यहां से चलते हैं। वो मेरे साथ आई। चलो चलो। हाँ बोलिए मॉम। तुम ठीक तो हो? नहीं तो कल पार्टी में कुछ जरूर हुआ था और तुम मुझे बता नहीं रही हो। बुराक से कुछ बात हुई? मॉम मैं ठीक हूँ। बुराक और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है हम उसे ठीक कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तुम बता नहीं रही हो क्योंकि मैं गुस्सा हो जाऊंगी, है ना? मॉम प्लीज, मैं ठीक हूं। ओके, एक काम करते हैं। चला क्या हम शाम को बाहर चले? बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हैं। ओके प्यारी बिटिया, शाम को मिलते हैं, ठीक है? सी यू। अपना ख्याल रखना। इतनी हिम्मत? हेलो, अब क्या है चाला? वोल्कान, मुझे पता है कल के बाद तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मुझे बात करनी है। तुम्हें सच में लगता है कि कल के बाद मैं तुमसे बात करूंगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो बोलना है वो बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? वोल्कान, हम दोनों को एक ही चीज चाहिए, हम एक दूसरे की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम मेरी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है ये बात तो आमने सामने होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो कब मिलना है और कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुराक? किसका फोन था? तुम्हें उससे क्या? क्या मतलब मुझे उससे क्या? क्यों, मैंने पूछा कि कल रात तुम किसके साथ मजे कर रहे थे? तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुझे क्यों जलन होगी? कहाँ जा रही है वैसे? कुछ काम से। असले मैं ले चलता हूँ, चलो। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बचपना छोड़ो ना असले। गुस्से में भी कितनी अच्छी लगती हो तुम, सच में। कल रात में अकेला था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम अकेले थे? हाँ, भरोसा नहीं है मेरा। है भरोसा,
तो अब तो भरोसा हो गया ना? हाँ। तो अब तो बताओ किसका कॉल था? मेरे टीचर का। और वो क्या कह रहे थे तुमसे? अब क्या तुम्हें मेरे टीचर से भी जलन हो रही है? हाँ, क्यों नहीं होगी जलन? तुम इतना हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। ऐता बेटा। हाँ बोलिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सो रही हूँ। ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। वोल्कान, अब ये कहाँ चला गया? मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। असले। अच्छा ठीक है, तुम कहो। मुझे तुम्हें वहां नहीं जाने देना था। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैंने भी गलती कर दी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। बुराक, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? किसी को पंच मारा? हाँ। ऐसा फिर से प्लीज मत करना। क्या हाल हो गया है? उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ था। इतना दुखी मैं कभी नहीं हुआ। प्लीज फिर से ऐसा मत करना। शुक्रान, बुराक सर के साथ जो हुआ उसके बाद से मैं बहुत डर गई हूँ। मेरा मतलब है, मतलब मुझे लग रहा है कि हमें अब अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर उसका हम सबसे क्या लेना देना? पता है, मैं समझती भी हूँ, पर सेल्डा मैम का बर्ताव आजकल बहुत अजीब लग रहा है। तुम तो जानती हो कितने टेंशन में है। अगर उन्होंने असल को कुछ कह दिया तो फिर मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। असल के स्कूल का क्या हुआ? कोशिश और क्या, आज सुबह ही कोर्स के बारे में डिस्कस करने गई है। वो अकेली सब कुछ कर रही है। अब बस उसकी एग्जाम्स आने ही वाली है। उम्मीद है इस साल वो कॉलेज जा पाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो है, नहीं तो उसकी सारी मेहनत और अच्छे मार्क्स बेकार हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निहाद सर, सॉरी हमने आपको देखा नहीं। प्लीज आइए ना, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। हेमेल सुनो जरा। जी नियत सर। देखो, हमारी कंपनी में हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, तो असल को भी मिल सकती है, उसको फायदा हो सकता है। तो उससे कहना कि ऑफिस जाकर डिटेल में पहले से बात कर ले। थैंक यू नियत सर, असल बहुत खुश हो जाएगी। मैं उसे बता देती हूँ, बात कर लेगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग सेल्डा मैम। गुड मॉर्निंग एमिल। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मॉर्निंग मेरी जान। तुम एमएल से क्या बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, मैं असल को स्कॉलरशिप देने के बारे में सोच रहा था। हम वही बात कर रहे थे। कैसी स्कॉलरशिप निहाद? क्या मतलब कैसी स्कॉलरशिप? तुम्हें पता नहीं क्या कि हमारी कंपनी हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप देती है? तुम तो जानती ही हो ना। हाँ मुझे स्कॉलरशिप के बारे में पता है। नहीं मेरा मतलब, उसने खुद सामने से कहा क्या तुम्हें? नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने ही सोचा। ये बात तो जाहिर है कि उन्हें पैसे की जरूरत है, और असल कितनी स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की है, तो हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा ही होगा। क्यों, सही कहा ना? अगर हम अपने घर में रहने वालों की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे, सोचो जरा। पता नहीं निहाद, क्या कहूँ, उसे देखकर लगता है बहुत बिगड़ी हुई लड़की है निहाद। सेल्डा, हमें उसे गोद नहीं लेना है या उसे बहू नहीं बनाना है, हमें सिर्फ उसे स्कॉलरशिप देनी है, बस इतना ही। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं जिसमें इतना दिमाग लगाया जाए। निहाद माफ कर दो मुझे, ठीक है? देखो इसमें माफ करने जैसा कुछ नहीं है, तो ऐसा मत सोचो। तो शुक्रान,
शायद निहाद सर ने हमारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी हर साल स्कॉलरशिप देती है और वो असल को भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो ऑफिस जाकर मिसेस पेलिन से मिले। ओह, सुनकर बहुत खुशी हुई एमएल। मैं खुद भी कब से सोच रही थी कि मुझे निहाद सर से असल की पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए। देखा, उन्होंने खुद ने सामने से ही ये बात कह दी। अब तो कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनका भला करे। यहाँ जाना है। मैं चलूं तुम्हारे साथ? तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? आज तुम ही ऑफिस हो। ठीक है, चलो चलो फिर, तुम्हारे टीचर से मिलते हैं। असल, ओह ये टीचर हैं। आप बात कीजिए, मैं पेंटिंग देखता हूँ। क्या सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद आई हो? तुम्हारे कॉलेज का क्या हुआ? सर, मैं इतने दिनों तक काम कर रही थी, अब नौकरी छूट गई है तो टैलेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। बढ़िया, तुम कोर्स कंटिन्यू करोगी ना? हाँ, चाहती तो हूँ। ठीक है, जब से इच्छा हो तब से शुरू कर लेना। पता है मैंने क्यों कॉल किया था? ये लो, ये कॉस्मेटिक ब्रांड का डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर्म है। तुम्हें उनके प्रोडक्ट के लिए कोई कॉन्सेप्ट बनाना होगा, इसमें सारी जानकारी दी हुई है। तुम उनकी वेबसाइट भी चेक कर लेना, इनाम की रकम भी अच्छी खासी है। सर, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं? तुम बिल्कुल कर पाओगी, तुम इस पर काम करना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा हूँ। ठीक है? ओके सर, मैं काम शुरू कर देती हूँ। मुझे कुछ पूछना था, मैं अपनी फाइल्स भूल गई थी, उसमें मेरी ड्राइंग्स हैं, शायद इससे कुछ मदद मिल सके। ये वाले? थैंक यू सो मच सर। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी, मैं मिलवाने ही वाली थी। बुराक, ये मेरे टीचर हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई सर। मुझे भी। तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है बुराक? नहीं नहीं नहीं। सर, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। सच में? आसले, खुद ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइस टू मीट यू सर, प्लेजर। ये शर्माते हैं। बाद में मिलती हूँ सर, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय बच्चों। कहीं बैठकर कॉफी पी सकते हैं? पीना जरूरी है क्या? चलो भी, लेट्स गो। जैसा कि तुम सब जानते हो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है जी एल्शन मैम, हमारी टीम इसी काम पर लगी हुई है, आप फिक्र मत कीजिए, प्रोडक्ट डिजाइन बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। काम कैसा चल रहा है? तुम लोगों ने कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी या नहीं, बताओ। सब कुछ ठीक चल रहा है मैम, हमने वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी कॉन्टेस्ट के बारे में अनाउंस कर दिया है। Great. हमने यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स और ड्राइंग इंस्टीट्यूट्स को भी बता दिया है। हमने 10,000 लीरास का इनाम भी रखा है, उम्मीद है हमें जल्दी वो डिजाइन मिल जाएगी। गुड, तो कॉन्टेस्ट में लोगों ने एंट्री भेजनी शुरू की? जी हाँ, कुछ वक्त में बहुत सारी डिजाइन एनालाइज करेंगे, पर अब तक कोई फेज वन से भी आगे नहीं निकला है, पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी एंट्रीज आने वाली है मैम। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि आजकल टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। ये कॉन्टेस्ट उन लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, हमें बस इंतजार करना होगा। ठीक है, आजकल इतना ही काफी है। ठीक है मैम, हम चलते हैं। हैव अ नाइस डे। गुड डे, थैंक यू सो मच। ओके, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो बताओ? आखिर तुम वापस आ ही गए, तो फिर तुमने मुझे कॉल किस लिए किया? क्या कोई मुश्किल है क्या? तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इसके लिए कॉल कर रहे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। तुम जो चाहे कर सकती हो ओक्टे, पर मैं फिर भी तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। हाँ।
शर्म भी नहीं आती उसे, पहले इतना कुछ ले चुका है। वो जरूर आएगी। एदा, मेरी बेटी, वेलकम। शुक्रिया तुमने मेरी बात रख ली। आओ इधर बैठो ना। मैं यहां आपकी बात सुनने नहीं आई हूं, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे ये तक नहीं पता कि आप कैसी मॉम हैं, आप किस तरह की इंसान हैं, हम किस बारे में बात करेंगे, क्या कहेंगी आप कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम छोटी बच्ची थी पर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरी गुड़िया प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे मॉम के बिना रहने की आदत पड़ गई है। एदा बेटा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। तुम्हें सच में लगता है कि मैं चाहती थी कि ऐसा हो? आपने एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया? मैं आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। क्यों? देखा आप जवाब भी नहीं दे पा रही हैं। जब आप मुझे छोड़कर गई तब मैं एक छोटी बच्ची थी। कैसा दिल है आपका और आप फिर भी खुद को मेरी मॉम कहती हैं? आपके जाने से मेरी लाइफ कितनी खाली हो गई थी पता है आपको? क्या आप उस खालीपन को भर सकती हैं मॉम? सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने भी इस गलती की कीमत चुकाई पर मैंने उसे एक्सेप्ट किया था कि एक दिन मैं तुम्हें मिल पाऊं, तुम्हें देख पाऊं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बिना मां के रहो, मुझे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई पर उन्हें चुकाते वक्त भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी यादों से भरा रहता था, अपने बच्चों की यादों से, तुम मानो या ना मानो। पता नहीं आपका इरादा क्या है पर आप मेरी मॉम नहीं है। मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे आपके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। मुझे पता है और मैं उस खालीपन को कभी भर नहीं सकती पर प्लीज बेटा, हम अब वो यादें बना सकते हैं जो जिंदगी भर हमें याद रहेगी। बेटा प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो, माफ कर दो मुझे। इससे पहले तो आप मुझसे कभी मिलने नहीं आई तो अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब सबके लिए बहुत देर हो चुकी है। एदा, मेरी बच्ची, bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her
say yeah, it's a